Hello dear students, this video lecture is for B.Ed. second year students and paper code is B.Ed. 222 Health and Physical Education. In this video lecture, I, Suman Rana, Assistant Professor D.I.R.D. is presenting topic Physical Fitness, Meaning, Importance, Motor Component of Physical Fitness. So let's start with the concept of physical fitness. Physical fitness, what do you mean by physical fitness? Physical fitness refers to maximum functional capacity of all system of the body. We are exercising whenever we move and keeping our body tuned and in a good running order. The body of human is framed in such a way that it can jump, climb, bend, stretch, and do more tedious work. Exercise helps in improving our health and builds up our energy and stamina. तो कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा कि हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, चाहे हम क्लाइंबिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, तो हम अपनी बॉडी से कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. वो फिजिकल फिटनेस को दर्शाता है, फिजिकल एक्टिविटी को बता रहा है वो. नाउ what is the meaning of physical fitness? Physical fitness is the capacity to do work efficiently with joy and pleasure, खुशी के साथ. After the work is over, he still has sufficient capacity to do more work without any exertion. Moreover, his recovery must be faster and quicker. Physical fitness is related to work or task. Physical fitness का मतलब कोई क्रिया भी है और कोई काम भी है, चाहे वो at home हो या घर से बाहर हो. It is a good physique. It is proper functioning of physiological system. The term physical fitness has wide meaning. It is more than the position of strength, speed, endurance. The person who remains energetic, cheerful, and enthusiastic in doing his work is said to be physically fit. हम फिजिकली फिट केवल उसी व्यक्ति को कहते हैं जो एनर्जेटिक है, जिसके अंदर एनर्जी है, जो बात को सुनता है, प्रश्न करें तो प्रश्न का जवाब भी देता है, हमेशा खुशगवार रहता है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, चाहे वो लिखने की स्पीड है, चाहे वो बोलने की स्पीड है, चाहे वो सुनने की स्पीड है, चाहे वो समझने की स्पीड है. तो अगर ये सब क्वालिटीज़ किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो फिजिकली क्या है, फिट है. Now, it is its level vary from person to person. जिसे हम बार बार साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं. मैं हमेशा आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ, इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ टीचर्स क्लास, तो 50 स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, डिपेंड करेगा उनके नेचर पर, उनके साइज पर, उनका बॉडी शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो मेल है या फीमेल है, उसका एज कितना है. अकॉर्डिंग टू क्लार्क 1971, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विद vigor and alertness without undue fatigue and ample energy to enjoy leisure time pursuits and to meet unforeseen emergencies. Now what are the importance of physical fitness? Pehla hai harmonious growth and development. Second is personality development, development of health, boost energy, increases stamina, mental strength increases. मोटर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये कुछ मोटर कंपोनेंट्स हैं. मस्क्यूलर स्ट्रेंथ, द अमाउंट ऑफ पावर अ मसल कैन प्रोड्यूस, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और मसल ग्रुप कैन प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी. जैसे कि आप कोई हैवी लोड उठाना है, वेट उठाना है, तो वहाँ पर आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है. डिफरेंट मसल्स रिक्वायर डिफरेंट एक्सरसाइजेस. फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये मोटर कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का. एक तो मस्कुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि मांसपेशियाँ मजबूत होनी चाहिए, हमारी लोडशीलता होनी चाहिए, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू स्ट्रेच एट अ जॉइंट थ्रू अ पोटेंशियल रेंज ऑफ मोशन. हमें किसी चीज़ को उठाना है, कितना ऊंचा उठाना है, या गोल घुमाना है तो कितना गोल घुमाना है, कितना बड़ा सर्कल बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा हाथ उस चीज़ तक पहुंच सके उसे लिफ्ट करने के लिए. ठीक है, द एबिलिटी टू बेंड, झुकने की, स्ट्रेच करने की एंड ट्विस्ट करने की. स्ट्रेचिंग शुड बी परफॉर्म बाई ब्रेथिंग आउट एंड होल्डिंग द पोजिशन ऑफ फॉर 20 to 30 seconds इन ऑर्डर टू अलाउ द मसल्स टू रिलैक्स एंड लेंथन. जब आप ओम क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो उसमें आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखते हैं, तो आप जितनी देर तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं
वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है. नाउ अदर मस्कुलर एंड्योरेंस, द मसल्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस पावर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, द एबिलिटी टू रिपीट अ मूवमेंट एट लो इंटेंसिटी एंड हाई रेपिटेशन, कितना आप बार बार उसे बोल सकते हैं, सा रे गा मा पा ध नी सा को आप कितनी देर तक, जैसे सा सा रे रे गा मा पा पा ध ध नी नी सा सा, फिर तीन तीन बार, तो आप मस्कुलर एंड्योरेंस. नाउ स्पीड, कितनी स्पीड है, अ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट रिलेट्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द टाइम इट टेक्स यू टू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड सच एज रनिंग स्पीड, स्विमिंग स्पीड, स्पीड ऑफ हैंड और फुट मूवमेंट टू नेम बट अ फ्यू. अमंग एथलीट्स अ 40-yard डैश इज ऑफन यूज टू मेजर स्पीड, जैसे कि रनिंग स्प्रिंट्स, फुटबॉल रिसीवर, शटल रन एंड ट्रैक रेसेस. एजिलिटी, अ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट रिलेट्स टू द एबिलिटी टू रैपिडली चेंज द पोजिशन ऑफ द इंटायर बॉडी इन स्पेस विद स्पीड एंड एक्यूरेसी. Agility is typically measured using a shuttle or zigzag run. Tests of agility are common as screening test among sports team. Example, shuttle run, dodging and tagging, dance, quickly changing direction. Now coordination, coordination समन्वय भी होना चाहिए. हमारे भिन्न भिन्न जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन ज्ञानेंद्रियों के मध्य में coordination होना चाहिए कि हमारा mind एक एक संकेत कर रहा है, एक क्लू दे रहा है, तो हमारा हैंड जो है मूवमेंट करने लगता है. अ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट रिलेट्स टू द एबिलिटी टू यूज़ द सेंसेस सच एज साइट एंड हियरिंग, कोई चीज़ हम कितनी जल्दी से देख पा रहे हैं या कितनी दूर तक देख पा रहे हैं, कोई गाना या किसी शोर को हम कितनी देर तक सुन पा रहे हैं. लाइक मैं अगर ये वीडियो लेक्चर परफॉर्म कर रही हूँ, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको कुछ और अलग तरह की वेरिएशन, बाहर से आने वाला शोर और वॉइसेस भी सुनाई दे रही होंगी, तो आप कितना क्लियरली उन्हें सुन पाते हैं. टुगेदर विद बॉडी पार्ट्स इन परफॉर्मिंग मोटर टास्क स्मूथली एंड एक्यूरेटली. कोऑर्डिनेशन इज टिपिकली असिस्ट यूजिंग मेजर्स ऑफ हैंड आई और फुट आई कोऑर्डिनेशन, हाथ और आंख का, फुट पैर का और आंख का कोऑर्डिनेशन, जैसे जगलिंग, ड्रिबलिंग अ बॉल और हिटिंग एन ऑब्जेक्ट. देयर आर हाउ एवर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एग्जाम्पल स्ट्राइकिंग अ बॉल, स्विमिंग, डांस, जिमनास्टिक स्किल्स, स्किपिंग एंड कैचिंग. नेक्स्ट, दिस फ्रॉम दिस स्लाइड जो भी कंटेंट आपने इंग्लिश में पढ़ा है, कुछ इसमें हिंदी में भी है. सबसे पहले है शारीरिक फिटनेस किसे कहते हैं. शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की शारीरिक क्षमता का मापदंड माना जाता है. शारीरिक फिटनेस के अंतर्गत दो संबंधित अवधारणाएँ आती हैं, सामान्य फिटनेस और विशिष्ट फिटनेस. सामान्य के अंदर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की एक स्थिति आती है, विशेष के अंदर खेल या व्यवसायों के विशिष्ट पहलुओं को कम करने की योग्यता, पहलुओं को करने की योग्यता पर आधारित कार्योन्मुखी परिभाषा आती है. सामान्य शारीरिक फिटनेस व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त आहार के द्वारा हासिल हो जाती है. यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर हम अपना खान पान बहुत अच्छा रखते हैं तो सामान्य फिटनेस हम सभी के अंदर पाई जाती है. फिटनेस का महत्व क्या है, पुरुषों के लिए अगर हम देखें तो फिटनेस का क्या महत्व है, क्यों लड़के इतना जिम में जाना पसंद करते हैं या रेगुलर मोड पर फिटनेस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं. किशोरावस्था में जब हम छोटे होते हैं तब हमें फिट रहने का महत्व का एहसास नहीं होता, क्योंकि तब हमारा मन युवा होता है, बॉडी में हमारे पास एनर्जी काफ़ी होती है, हम काफ़ी चीज़ों को मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, थकते नहीं हैं, खान पान हमारा अच्छा होता है, एज उतनी नहीं होती और चीयरफुल होते हैं हम, और हमारा शरीर सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक तनाव को झेलने में सक्षम होता है. हम इन वर्षों के दौरान अपने शरीर की देखभाल को लेकर गंभीर नहीं होते, आगे चलकर बुढ़ापे में स्वास्थ्य की कोई गारंटी हमें नहीं दे सकता. तो इसीलिए शरीर एक जैविक मशीनरी की तरह है, आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए. फिटनेस स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है. फिटनेस रोगों को दूर करने में सहायक है. कई तरह की बीमारियां जो है जड़ से खत्म करने में फिटनेस हमारी सहायता कर सकता है. जिन व्यक्तियों ने आसीन जीवन शैली को छोड़कर सक्रिय जीवन शैली को अपनाया है, उन लोगों ने यह महसूस किया है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है या उन्हें बीमारियां कम थी. इसके विपरीत आसीन जीवन शैली जीने वाले व्यक्ति अनफिट थे.
आपके परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यायाम की सार्थक प्रयास और आत्मनियंत्रण व्यायाम की आवश्यकता बन जाता है। एक्सरसाइज हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, शरीर में खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है, जिससे आप स्वस्थ तो रहते ही हैं। सही ब्लड सप्लाई मिलने से दिमाग भी सक्रिय रूप से कार्य करता है और नई ब्रेन सेल्स बनने में भी मदद मिलती है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से फिटनेस जो है सिखाई जा रही है। रेगुलर इस तरह से हम एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई एक दूसरे को करवा भी रहा है, एक दूसरे के साथ हेल्प भी कर सकते हैं। रेगुलर मोड पर हम घर पे रहकर भी अपने परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ भी शारीरिक फिटनेस जैसे अवधारणाओं को समझ सकते हैं और सभी से करवा सकते हैं। जैसे इसमें आपको बच्चे दिखाए हैं, स्टूडेंट लाइफ दिखाई हुई है कि स्टूडेंट्स कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। मोटर स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू दिखाया है कि कोऑर्डिनेशन होता है, स्पीड बढ़ती है, आपकी पावर है, रिएक्शन टाइम है, बैलेंस है और एजिलिटी है। स्किल रिलेटेड फिटनेस, ये फिटनेस कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने इस कॉन्सेप्ट में मोटर स्किल क्या है और मोटर स्किल के जो कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल फिटनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर आपका यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।